गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सको? ठीक हो? ऑल द बेस्ट। प्रिपरेशन कर रहे हो ना? ठीक है। हाँ, रिवाइज करते चलना, पीछे का जितना टॉपिक पढ़ते चलना उसको रिवाइज करते चलना, प्रैक्टिस करते चलना, ठीक है ना। जितना भी टॉपिक्स पढ़ो उसको रिवाइज करो, बार 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 प्रैक्टिस करो, बार बार क्वेश्चन बनाओ। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स उस पर टैकल करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी इसमें समझ में आते जाएगा, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग बहुत सारा चीज़ डिस्कस कर लिए थे। एक तरह से 1D मोशन पूरा का पूरा हो गया था। 1D मतलब स्ट्रेट लाइन में बॉडी मेरा मूव करता था आराम से। हम लोग उसमें सारा का सारा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम सब कुछ निकालना सीख गए थे, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, ठीक है ना। कैलकुलस का यूज भी हम लोग सीख गए थे, ग्राफ्स भी से भी कैसे टैकल करते हैं वो भी सीख गए थे, ठीक है। आज हम लोग डील करेंगे 2D मोशन से। कैसे 2D है ना, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा टाइप का मोशन है? 2D मोशन है। प्रोजेक्टाइल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और IIT पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशंस का कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल, ठीक है। सिंपल है प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। बस जो जो समझाएं बस उतना ही समझ लेना है कि ऐसे ही करते हैं, ठीक है, ऐसे ही सोचते हैं बस, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कुछ सोचते ही नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन में। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या? प्रोजेक्ट, किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट मतलब किसी बॉडी को फेंकेंगे, ठीक है ना। अब हम चाहे जैसे फेंकें, 0 डिग्री फेंकें, 30 डिग्री फेंकें, 20 डिग्री फेंकें, कहाँ से कहीं से भी फेंक सकते हैं ना। छत से फेंकें, प्लेन से फेंकें, ग्राउंड से फेंकें, ठीक है। बस प्रोजेक्ट करना, किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करना मतलब किसी भी वेलोसिटी से उसको फेंकना है, ठीक है, थ्रो करना है, ठीक। प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बेसिकली हम लोग को तीन चीज़ मेन बात पूछता है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है ना। क्लियर है? एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हवा में कितना देर वो रहा, ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछता है, ठीक है। दूसरा से पूछता है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक। और तीसरा इसमें पूछता है तुमको रेंज। तीसरा क्या पूछता है इसमें तुमको? रेंज पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है? रेंज पूछता है। तीन बेसिक चीज़ पूछता है, ठीक है। टाइम को हम टी से डिनोट कर लेंगे, एच मैक्स को एच मैक्स लिखेंगे या एच लिखेंगे, रेंज को आर से लिखेंगे, ठीक। क्लियर है? अभी सबसे सिंपल केस हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, कि हम लोग ग्राउंड पर से किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे थे, ग्राउंड पर से किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे थे। जैसे मान लो हम ये मेरा मार्कर है, ठीक है, ठीक है ना। ग्राउंड पर से किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे थे, देखो थ्रो कर रहे थे, ठीक है ना। ग्राउंड पर से किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे थे, ठीक है। तो ये रहा अपना ग्राउंड, ठीक, ये रहा अपना ग्राउंड, ठीक है। और हम लोग जो है किसी पार्टिकल को, ठीक, यू या कुछ भी यू वेलोसिटी से जो भी वेलोसिटी ले लो थ्रो किए हैं, ठीक है। तो पार्टिकल क्या लगता है, कैसे जाएगा? यू, ठीक है, आराम से थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक ठीक ठीक, ऐसे करते हुए इधर गिरेगा, ऐसे गिरेगा ना, इसी तरह का पाथ होगा ना, है ना, इसी तरह का पाथ होगा। किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो इसी तरह का मेरा पाथ होगा, ठीक है ना। किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे इसी तरह का पाथ होगा, ठीक है, इस तरह का पाथ होगा, ठीक। क्लियर है? बात समझ रहे हो? ठीक है ना, हाँ, यहाँ तक समझो, ठीक। अच्छा, चूँकि प्रोजेक्टाइल मोशन समझो एक तरह से 2D मोशन का केस हो गया, 2D मोशन, ठीक है ना, टू डायमेंशनल मोशन। नाम ही से पता चल रहा है, डरना नहीं है। टू डायमेंशनल का सिंपल फ़ायदा क्या उठाएंगे? दो डायमेंशन है ना, दो डायमेंशन मतलब इसमें दो डायमेंशन होगा, एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना। दुनिया को जनरली हम लोग एक्स और वाई में देखेंगे, वाई जेड ये सब नहीं लेंगे, ठीक है ना, एक्स और वाई में ही देखते हैं, ठीक है, जनरली, ठीक है। मतलब कि क्या, इसको दो 1D मोशन में तोड़ के ही पढ़ेंगे, दो 1D मोशन में तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दुनिया को एक्स और वाई में ही देखेंगे, ग्राउंड पे भी चल रहे हैं, एक्स और वाई में ही देखेंगे सिर्फ, ठीक है। बीच में क्या हो रहा नहीं हो रहा उससे में कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मोशन को जो है दो डायरेक्शन में तोड़ लेना है, सिंपल वो दो 1D मोशन में इसको तोड़ लेना है, ठीक, एक एक्स में और एक वाई में, एक एक्स में और एक वाई में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बस हो ही गया, बस कुछ नहीं है अब, ठीक है। मान लो इसको बोल दो थीटा, हॉरिजॉन्टल एंगल, मान लो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, ठीक है। क्लियर? यही मेरा क्या है, तुम्हारा हाईएस्ट पॉइंट, यही क्या है तुम्हारा हाईएस्ट पॉइंट। ये अगर हाईएस्ट पॉइंट है तो यही मेरा क्या होगा, एच मैक्स, यही मेरा क्या होगा, एच मैक्स। और जहाँ से थ्रो किए थे और जहाँ पर जाके पार्टिकल गिरा उसी दूरी को क्या बोलते हैं, रेंज, उसी को क्या बोलते हैं, रेंज,
ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, रेंज। और यहाँ से पूरा यहाँ तक आने में जो टाइम लगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो तीन जो इस शब्द है, इस शब्द को समझे, पहले हम लोग वर्ड्स को समझ गए। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या, जो हम लोग जहाँ से प्रोजेक्ट के बॉल को इस समय से लेकर के यहाँ से यहाँ तक आने में कितना हमको समय लगा, ठीक है। पहला बात तो सो, मैक्सिमम हाइट का मतलब हाइएस्ट पॉइंट तक आने में जितना हाइट ये ग्राउंड से ये जो होगा इसी को हम लोग हाइएस्ट पॉइंट बोलेंगे, इसको इसी को एच मैक्स बोलेंगे, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट बोलेंगे इसी को, ठीक है। ये हो गया। और रेंज तुम्हारा जहाँ से बॉल या किसी भी चीज़ को थ्रो किए और वो कहाँ तक आया, यही दूरी मेरा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। पहला बात तो ये समझ में आ रहा है हमको, ठीक है, क्लियर है। चलो दुनिया को एक्स और वाई में तोड़ेंगे, ठीक। अच्छा, इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन तुमको कौन कौन दिख रहा है, वाई डायरेक्शन में धरती, धरती माता तो हमेशा रहेगी, है ना, एमजी फोर्स हमेशा लगता रहेगा, ठीक है ना। इन वाई डायरेक्शन एक ही तुम्हारा फोर्स है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स है मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट कोई मास एम का होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कितना लगता है यार, एम जी, कितना लगता है, एम जी, कितना लगता है, एम जी, ठीक। यानी कि वाई डायरेक्शन में उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, एम जी। तभी ना नीचे की तरफ फोर्स था, तभी तो हम किसी को ऊपर जब भी हम फेंक के, ठीक है ना, ऊपर जब भी हम फेंक के तो उस पर हमेशा तो भैया एम जी लग ही रहा था, एम जी नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो लग ही रहा था, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो एम जी लग ही रहा था, ठीक, एम जी लग ही रहा था। और एक तरह से इसको हवा में जब हम उछाल ही दिए हैं, हवा में जब हम इसको एक तरह से उछाल ही दिए हैं, ठीक है ना, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो फोर्स बाय मास हम लोग जानते हैं, फोर्स बाय मास यानी कि एम जी बाय एम यानी कि जी, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन इन किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन, कितना आ रहा है, जी। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना, जी, नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ, ठीक है। इतना तो समझ में आता है वाई डायरेक्शन में ये स्टोरी होगा, ठीक है ना, देख रहे हो ना, सिंपल। हम दुनिया को एक्स और वाई में ही बस देखेंगे, प्रोजेक्ट तो किए ही हैं ऐसे, ठीक है ना, प्रोजेक्ट तो ऐसे किए हैं, पूरा का पूरा एक प्लेन में है, पूरा का पूरा एक प्लेन में हम जान रहे हैं। बट इसको सिंपल करने के लिए, इसको सिंपली समझने के लिए हम लोग जो है इसको दो डायरेक्शन में तोड़ लिए, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई। चूँकि वेक्टर का हम लोग फायदा यहाँ उठाने वाले हैं ना, वेक्टर्स का, क्योंकि मान लो यहाँ वी वेलोसिटी है, वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की है, तो इसका कुछ ना कुछ एक्स कंपोनेंट भी होगा और कुछ ना कुछ वाई कंपोनेंट भी होगा, वेक्टर्स, ठीक है। इसलिए इसको दो मोशन में हम लोग तोड़ लेंगे, एक्स और वाई में। वाई में ये स्टोरी हुआ, इतना समझ में आ रहा है वाई में क्या क्या स्टोरी है, ठीक है, वाई का स्टोरी समझ में आ गया। इन एक्स डायरेक्शन, अब एक्स का समझ लो स्टोरी क्या होगा, इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ दिख रहा है यहाँ तक। इन एक्स डायरेक्शन देखो, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, कोई फोर्स है क्या एक्स डायरेक्शन में, कोई भी फोर्स, नो फोर्स इज देयर, कोई भी फोर्स वहाँ पे नहीं है, मतलब एक्स में कोई भी नहीं है प्रेजेंट जो कि तुम्हारा, हाँ, डिस्टर्बेंस हमको मोशन को करेगा। वाई में तो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स था जिसके कारण बॉडी मेरा नीचे भी आ रहा था और वाई वाला वेलोसिटी में भी कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, सिंस देयर इज नो फोर्स, नो फोर्स इज देयर, इम्प्लाइज नो डिस्टर्बेंस, नो डिस्टर्बेंस इन एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट जो भी होगा उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। पहले ये दो बात हमको समझ में आता है, ठीक है, ये दो बात हमको समझ में आता है। अब हम लोग निकाल लेंगे इक्वेशन और मोशन लगा के कि कितना हाइट गया, यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, ठीक है, क्योंकि दुनिया को तो हम एक्स और वाई में सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे लिखवाते हैं, बस इसका डेरिवेशन कर लेंगे हम लोग, कैसे कैसे आता है, ठीक, फिर क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक तो, ठीक है। चलो लिखते चलना यार, समझते चलना, जो जो बात बोलते जा रहे हैं लिखते भी चलना, समझते भी चलना, ठीक है ना। चलो अब हम लोग ना आराम आराम से देखो डेरिवेशन कैसे कैसे करेंगे, ठीक है।
बस तुमको यही सीखना है कैसे हो रहा है चीज़, कैसे हो रहा है तुमको ये अंडरस्टैंड कर दो, रटना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग करते हुए चलोगे तो इंक्लाइंड प्लेन से फेंकेंगे किसी भी चीज़ को या छत पर कहीं से फेंकेंगे प्रॉब्लम नहीं होगा, सोचते कैसे बस यही तुमको समझना है ठीक। चलो अब देखो ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को हम लोग प्रोजेक्ट किए, मस्त यहाँ से यहाँ आ रहा था ठीक है ना, इसका कुछ कुछ चीज़ हम लोग चर्चा करते हैं अभी ठीक है, क्लियर है। मान लो इसको कुछ यू स्पीड से तुम फेंका था ठिट्टा एंगल पे ठीक, क्लियर है, क्लियर है। इनिशियली तो इनिशियली इसका दो कंपोनेंट तुम कर सकते हो ठीक है ना, इधर आ जाएगा यू कॉस थीटा, इधर आ जाएगा यू साइन थीटा ठीक, तो इन वाई डायरेक्शन ठीक, इन वाई डायरेक्शन और इन एक्स डायरेक्शन ठीक है, इन वाई डायरेक्शन और इन एक्स डायरेक्शन, तो खेलेंगे देखना समाप्त हो जाएगा अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए इतना हम लोग जानते हैं बात ठीक। और एक और ख़ास बात क्या हम लोग जानते हैं कि नीचे की तरफ मेरा हर जगह ए वाई ए एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है जी है, ये भी हम लोग जान रहे हैं, ये भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक है, ये भी ध्यान रखिए कहाँ से आया, तो वाई डायरेक्शन में हम लोग फोर्स देख रहे थे एम जी था है ना, चूँकि फोर्स एम जी था तो एक्सेलरेशन जी होगा ठीक है, ये ठीक है ना क्लियर वाई डायरेक्शन। अच्छा वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड, वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितना था यू साइन थीटा ठीक, यू साइन थीटा ऐसे समझो किसी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग एक तरह से वाई में सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ वाई में दुनिया को देखो, सिर्फ वाई ठीक है ना, वाई में इसका खेल देखो ठीक है, क्योंकि ये जब जाएगा जैसे जैसे आगे जाएगा, मान लो थोड़ा देख ले कि यहाँ वाला टर्म को देखो ठीक, तो यहाँ कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी कुछ बदल गया होगा, कुछ मान लो भी हो गया होगा ठीक, कुछ मान लो भी हो गया होगा वेलोसिटी, तो इसका भी दो कंपोनेंट हम लोग कर सकते हैं अक्सर वाई में कर सकते हैं ना ठीक। अब मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया हो, यहाँ मान लो इसका कुछ वेलोसिटी कुछ भी हो वी डैश, तो हम लोग फिर से इसका दो कंपोनेंट कर सकते हैं एक्स और वाई में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है ना, मतलब कहीं भी हम कंडीशन पे जाएंगे किसी भी पॉइंट पे जाएंगे इसका हम लोग दो कंपोनेंट कर सकते हैं और एक्स और वाई में ठीक है। तो हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ आराम से सिर्फ एक बार वाई डायरेक्शन को देखेंगे, एक बार एक्स डायरेक्शन को देखेंगे ठीक है, सिंपल इतना समझ में आ रहा है। चलो तो वाई डायरेक्शन में इनिशियली स्पीड इतना था, लेकिन वाई में तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना था जी, किधर नीचे की तरफ ठीक, जी किधर नीचे की तरफ, इसका मतलब जब हम किसी को यू साइन थीटा से ऊपर फेंके थे और एक्सेलरेशन मेरा जी नीचे है, तो मतलब मेरा कभी ना कभी ऊपर जा ऊपर जाते टाइम हाईएस्ट पॉइंट पे तो मेरा वेलोसिटी जीरो होगा ही वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर मेरा सिर्फ और सिर्फ कौन सा वेलोसिटी होगा, हॉरिजॉन्टल वाला होगा, वाइड हाईएस्ट पॉइंट पर मेरा सिर्फ और सिर्फ कौन सा वेलोसिटी होगा हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि थीटा तो, बात समझ रहे हो ठीक है ना, क्लियर है ना, वैसे ऐसे वैसे भी वाइड डायरेक्शन में सोच के देखो माइंड में यू साइन थीटा से फेंके यू साइन थीटा से जा रहा जा रहा जा रहा कभी ना कभी जीरो होगा फिर वापस आएगा ठीक, सोच लिए हम लोग ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ठीक। तो अब ऐसे समझो यू साइन थीटा से फेंके थे जी एक्सेलरेशन नीचे था तो कितना टाइम लगता था ठीक है ना, तो फाइनल वेलोसिटी मेरा जीरो हो रहा है एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट है ना मेरा वी वाई क्या हो रहा है जीरो, फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन जीरो, ये एक तरह से क्या है यू वाई है ना, यू वाई है ठीक है, ये क्या है यू वाई है ठीक है ना, क्लियर है। इसको कुछ वी वन बोल दो, इसको वी टू बोल दो, नहीं तो कन्फ्यूजन आ जाएगा है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है, वी वाई जीरो है तो हम लोग क्या जानते हैं वी वाई, अब वाई में दुनिया देखना सब जगह वाई लिखेंगे, वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, चूँकि वेक्टोरियली हम लोग साफ दुनिया में देखते हैं वी वाई जीरो, यू वाई तुम्हारा ठीक है यू वाई है माइनस ठीक है यू वाई है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लो थोड़ा देर के लिए, ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लो माइनस जी इंटू टी है, तो t बराबर क्या आ गया u इन y डायरेक्शन बाय g यहाँ ठीक है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में इसको कितना समय लगेगा इतना, और हम लोग सिमेट्री से क्या समझते थे जितना समय जाने में उतना ही समय आने में, हम दुनिया को y में देख रहे हैं मतलब कैसे देख रहे हैं कि ऐसे फेंके थे किसी ऑब्जेक्ट को तो ये जा रहा था जा रहा था जा रहा था जा रहा था हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा फिर वापस भी तो लौटेगा, तो जाने में जितना टाइम उतना ही टाइम आने में, याद है वर्टिकल मोशन सबको ठीक,
इसलिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि कैपिटल टी बनाओ क्या आ जाएगा, टू इसका दुगुना, टू यू वाई बाय जी, टू यू वाई बाय जी, हाँ टू यू वाई बाय जी, यानी कि टू यू वाई क्या है, यू वाई है तुम्हारा यू साइन थीटा। हम साइन थीटा क्यों नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, साइन थीटा इसलिए नहीं लिखना चाह रहे हैं क्योंकि हो सकता है कभी कभी थीटा यहाँ नहीं यहाँ दिया हो, है ना। तो कॉस थीटा साइन थीटा तो अपने भी डिपेंड करता है किधर थीटा दिया हुआ है, उस हिसाब से कॉस साइन होता है, ठीक है ना। मैंने को फंडा दिमाग में सेट रखना है कौन सा कंपोनेंट होगा इसको। एक और खास बात, जी क्या था, ए वाई ही था, जी क्या था, ए वाई ही था, ठीक है ना, जी क्या था, ए वाई ही था। देखो यहाँ पर हम टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर लिख देते हैं, टू यू इन वाई डायरेक्शन अपॉन जी क्या है, ए वाई, जी क्या है, ए वाई, ये याद रखते हैं, हमको ये याद रहता है, टू यू वाई बाई ए वाई, ठीक है, मुझे ये याद रहता है, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फंडा बताइए कैसे कैसे करते हैं, सोचते कैसे ये पता है, सोचते कैसे है यही सीखना है, सोचते कैसे अपने क्वेश्चन में यही करेंगे। फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो सिंपल, बस दो सेकंड लगेगा इसको हमको तोड़ने में दुनिया को, ठीक, क्लियर हो गया, वायर डायरेक्शन में पता चल गया हमको स्टोरी, ठीक, क्लियर है। अब चलो इसी से मेरा, यहीं से मेरा एक्स, अच्छा रुक जाओ वाई में ही अभी खेल लेते हैं थोड़ा देर, ठीक। अच्छा हमको मैक्सिमम हाइट भी चाहिए, ये एच भी चाहिए, तो हम लोग जानते हैं वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक, सिंपल समझो, बाई वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, कन्फ्यूज मत हो, ठीक। अभी वाई डायरेक्शन में दुनिया चल रहा है तो फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या होने जा रहा है, जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो होने जा रहा है, ये तो यू वाई का स्क्वायर है, ठीक, माइनस टू जी, आइए एस क्या है, एच मैक्स, यही ना एच मैक्स है जी, तो एच मैक्स कितना आ गया, यू वाई स्क्वायर बाय टू जी, ये फॉर्मूला लोग याद रखता है, ठीक है, यू वाई की जगह लोग ये याद रखता है, यू स्क्वायर साइन का ठिट्टा, कोई बात नहीं, हम लोग क्या याद रखेंगे, एच मैक्स बराबर यू वाई स्क्वायर बाय टू ए वाई, ये समझेंगे हम लोग, यू वाई स्क्वायर बाय टू ए वाई, क्योंकि जी क्या था, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन ही तो था। देखो एच मैक्स भी आ गया फार्मूला खट से, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला भी आ गया, ठीक है, डेरिवेशन जल्दी लिखो, एक्स डायरेक्शन में फिर पता बात करते हैं भाई, तो वाई में बात किए हम लोग, ठीक है ना। देखो वाई में बात की तो आराम से देखो टाइम भी आ गया, कितना टाइम प्रोजेक्टर को यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, एच मैक्स भी आ गया यू वाई स्क्वायर बाय टू ए वाई, ठीक है। ठीक, समझते भी चलना, ठीक है, हो गया, समझ गया, फंडा लिख लिया अपना, ठीक। चलो अब इन एक्स डायरेक्शन, अब इन एक्स डायरेक्शन पता करते हैं, ठीक है, सबको लिखते चलना यार, ठीक है ना, समझते भी चलना लिखते भी चलना। चलो दो चीज़ तो आ गया, अब इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में लोग बात करते हैं, प्रोजेक्टाइल ऐसे किए थे, ठीक है, प्रोजेक्टाइल ऐसे किए थे, ठीक ना, क्लियर है। दो कंपोनेंट इसका तोड़ते हैं हमेशा, वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हमेशा तोड़ते हैं, ठीक है ना, ये हाईएस्ट मेंबर सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचा, यहाँ भी दो कंपोनेंट टूटेगा वेलोसिटी का, ठीक है ना, क्लियर है। फाइनली गिरते गिरते यहाँ ऐसे आ जाएगा, ठीक, दो कंपोनेंट पहले से तोड़े हुए वेलोसिटी का, ठीक है ना, ये है कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन यू एक्स, ये क्या है यू वाई। अच्छा इन एक्स डायरेक्शन सिंस देयर इज नो फोर्स, कोई फोर्स जब नहीं है तो क्या मेरा एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी को बदलने वाला कोई है, नहीं, इम्प्लाइज यू एक्स जो है यू एक्स Does not change. That is objective पूछता है ये, that is remains constant. मेरा मतलब कि velocity in x direction नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि मेरा x direction में कोई भी force नहीं present है,
ठीक, इसलिए इट विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आहा हा, कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है। पहला बात तो सो कॉन्स्टेंट रहने वाला है, ठीक, यानी यूएक्स मेरा कॉन्स्टेंट रहने वाला है, ठीक है, क्लियर है। और जब यूएक्स ही मेरा कॉन्स्टेंट रहेगा तो सोच के देखो, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। तो अच्छा खुद सोचो, यहाँ से यहाँ जो आने में टाइम लगा होगा वाई, पूरा वाई में, जो वाई में हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले थे, तो यानी इसका मतलब क्या, वो फील क्या किए थे कि ऑब्जेक्ट ऐसे गया, ऐसे आ गया, मतलब एक तरह से यहाँ आ गया। तो यहाँ तक आने में अगर जितना टाइम लगेगा वाई में, उतना ही टाइम तो लगेगा एक्स में, जितना टाइम लगेगा वाई में उतना ही टाइम भी तो एक्स में लगेगा यहाँ से वहाँ जाने में, ठीक ना। तो रेंज मेरा कितना आ जाएगा, रेंज यानी कि आर बराबर स्पीड इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना था, टू यू वाई बाई ए वाई, तो टू लिख देते हैं आराम से, पहले यू एक्स, तो यू एक्स है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद ही होगा, टू यू वाई बाई जी लिखे थे या ए वाई लिखे थे, तो टू यू एक्स यू वाई बाई ए वाई, यही मेरा क्या हो गया, रेंज का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, टू यू वाई बाई टू यू एक्स यू वाई बाई ए वाई, क्लियर है, यही मेरा रेंज का फॉर्मूला हो गया, तीनों आ गया मेरा, तीनों का फॉर्मूला मेरा डिराइव हो गया, ठीक है, क्लियर है। इसमें खास बात क्या था कि एक्स डायरेक्शन मेरा वेलोसिटी नहीं बदलेगा, यार एक ऑब्जेक्टिव ये पूछ लेता है, ठीक, मेरा एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी नहीं बदलेगा, क्योंकि नहीं बदलेगा तो फ़ायदा क्या होगा, जब वेलोसिटी ही नहीं बदलेगा तो आराम से हम डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड पता है यू एक्स टाइम, तो टाइम ऑफ लाइट है पूरा, ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, बस अब तो ख़त्म है स्टोरी। हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा वेलोसिटी होगा, एक सेकेंड यार, एट हाईएस्ट पॉइंट ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज प्रेजेंट, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रेजेंट है यूएक्स, यूएक्स तो कभी जिंदगी में ना बदला था ना बदला है, हाँ वाई डायरेक्शन वेलोसिटी जरूर बदल रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे वाई वाला कंपोनेंट मेरा जीरो हो जाएगा, ठीक, सिचुएशन को फील हो रहा है ना। चलो तो तीनों फॉर्मूला हम लोग अब समझ गए, तीनों बात हम लोग जान गए, कंडीशन ऐसे ही समझ समझ करेंगे, है ना, फॉर्मूला याद हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी याद हुआ तो और अच्छा बात, ठीक है। अब देखो अब सबको एक जगह इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक, अब इकट्ठे एक जगह लिख लेते हैं, देखो U से प्रोजेक्ट किए थीटा एंगल से, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा आया 2UY by G, ठीक है, 2UY by G या AY कहो, ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक, खराब लग कितना बुक में देखो फॉर्मूला लिखा होगा 2UY, अभी क्या होगा U, इधर होगा U cos थीटा, इधर होगा U sin थीटा, पता ही है ना, तो U 2U sin थीटा by जी दिखता होगा, बट ये नहीं याद रखते हम लोग, ये हम लोग ये याद रखते हैं, ठीक। H कितना रहा, H मैक्स ये H मैक्स, ये कितना आ रहा है, यू वाई स्क्वायर बाय टू जी, ए वाई, हम लोग तो ए वाई याद रखते हैं, बुक में कैसे लिखा होगा मिलेगा H बराबर यू वाई फिर से देखो यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, चूँकि यहाँ ए वाई जी था, ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, ये भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक, रटना नहीं है इसको, पहले हम समझा दिए, ठीक है, 2 सेकंड लगता है एक फॉर्मूला को डिमांड निकालने में, ठीक है, क्लियर है। और मेरा रेंज कितना आया था अभी, 2UX UY बाय ए वाई, 2UX UY बाय ए वाई, बुक में कैसा लिखा हुआ मिलेगा, देखो 2UX की जगह U cos थीटा हो गया, ठीक है, UY की जगह U sin थीटा हो गया, ठीक, और नीचे में तो G हो गया, देखो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 2U² sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, तो देखो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा यहाँ पे, ठीक ना, आ 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, तो U² sin 2 थीटा बाई जी, ये बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं, हम लोग बुक टुक याद करते तो है नहीं, दिमाग है ही तो बुक क्या याद करें, रेंज हम लोग समझ गए,
ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हाईएस्ट सॉरी एच मैक्स, और ये रेंज 2ux ui/ay। ठीक है, क्लियर फंडा। एक्स कंपोनेंट मेरा बदलता नहीं है, एक्स कंपोनेंट यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिख देते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट। नोट करके ये भी लिख सकते हो बात, ठीक, कि मेरा जो एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट ही रहता है। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक, क्लियर। चलो अब क्वेश्चंस जैसे जैसे आएगा समझते चले जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस बनाएंगे तो मजा आएगा। रेंज के बारे में को वही सब खास बात, कुछ कुछ रहता है कि हाईएस्ट पॉइंट कितना डिग्री पे फेंकते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट आता है तो 45 डिग्री फेंकते हैं, हाँ कुछ कुछ और बात आता है रेंज में कि, ठीक है ना, रेंज में कुछ कुछ और पॉइंट आता है कि 30 डिग्री पे फेंकें तब जो होगा, और 60 डिग्री पर फेंकें तब जो स्टोरी होगा वो सेम ही होगा रेंज का, है ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से मेरा रेंज सेम होता है, ये सब हम लोग जानेंगे, बस क्वेश्चंस के साथ जानेंगे। सॉरी, ठीक है, समझ गया, फॉर्मूला लिख गया, क्वेश्चन उठाते हैं सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला आई होप सबको याद ही हो गया होगा अब, ठीक है, कैसे कैसे आ ये भी समझ गया, आराम से दुनिया को एक्स और वाई में पहले तोड़ लो, ठीक है, और एक्स और वाई में देख लो कौन कौन फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है, बस उस हिसाब से टैकल करो, मतलब दुनिया को एक्स और वाई में तोड़ करके आराम से सॉल्व करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। चलो तो क्लियर है, हम लोग अब आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस के क्वेश्चंस को उठाते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा मज़ा तो क्वेश्चन बनाने में ही है। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन अब समझते चलना, मज़ा आएगा, ठीक है, बस क्वेश्चन अब डिस्कस करते लिख देंगे सारा क्वेश्चन, टेंशन मत लो, ठीक है ना, एक सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ठीक एट इनिशियल पॉइंट ए इज 2i cap + 3j cap ठीक मीटर पर सेकेंड, ठीक ना, तो हमको पूछ रहा है इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज क्या होगा, ठीक, फोटो ऐसे बना दिया है कि ये पॉइंट ए है जस्ट फेंकने वाला, पॉइंट बी जहाँ पे गिरा है, ठीक है, ऐसे हम लोग फेंके थे, ठीक है, तो पूछता है हमको प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट, ए पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी देखो 2i cap + 3j cap मेरा जो है सॉल्यूशन, अब देखो फील करो बस, खट से आंसर तो लिख देंगे तुरंत लेकिन समझो, ठीक है, इनिशियल पॉइंट पे मैं देखो स्पीड x में 2 y में 3 था, ठीक है, यहाँ पे x में 2 और y में 3 है, 2i cap + 3j cap ठीक है, तो हम तो जानते हैं भैया 2 तो कभी जिंदगी में बदलने वाला नहीं है, ठीक है ना, ये रहा एट ए ऐसा कंडीशन, बी पे कैसा होगा देखो, एक्स तो बदला नहीं होगा तो ये तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, 2 का 2 ही रहेगा, एक्स कंपोनेंट तो बदला नहीं होगा, ठीक, बदल गया होगा वाई, बदल गया होगा वाई, और हम जानते हैं कि अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते थे अगर मान लो यू स्पीड से, तो जाते 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 हाईएस्ट पॉइंट पर 0, आते 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 फिर से मेरा लौटते टाइम मेरा स्पीड कितना हो जाता था भाई, यू ही वर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ, अगर वर्टिकल सिर्फ वाई में देखो ध्यान दो, अगर जितना से फेंकते हैं उतना ही से वापस मेरा आ जाता है, ठीक है, क्लियर हंडा, जितना से फेंकते होता है वापस आ जाता, तो 3 से फेंके थे तो वापस भी वाई में 3 ही होगा आते टाइम, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज विथ
with initial velocity of 20 meter per second. ठीक ठीक ना, फाइंड रेंज ऑफ मिसाइल कर रहा है, फाइंड रेंज क्वेश्चन समझ लो, कहे कि मिसाइल को हम फायर किए ताकि मेरा रेंज कैसा हो, मैक्सिमम, यही पॉइंट मेन है। विच इनिशियल वेलोसिटी, फोटो बना लेते हैं कि मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट को हम जो है मिसाइल को अपना 20 मीटर पर सेकंड से हम लोग प्रोजेक्ट किए, ठीक है, कैसे, और इस तरह से प्रोजेक्ट किए ताकि मेरा ये जो आ रहा है ना मैक्सिमम दूरी तक जाए मेरा मिसाइल मैक्सिमम, ये आर मैक्स हो, ठीक है, आर मैक्स हो, ठीक, हमको वही बताना है आर मैक्स क्या होगा, तो हम वही पता करने वाले हैं अभी कि मैक्सिमम रेंज होता कब है। तो भैया हम जानते हैं रेंज का फार्मूला, तो अभी पढ़े 2ux uy by ay, हाँ 2ux uy by ay, ठीक है, क्लियर है, या फिर याद है ui square sin 2θ by ay, ठीक है, क्लियर है फंडा। u को तो हम बदल नहीं सकते फिलहाल, अभी ay मेरा अभी g ही है, तो यानी कि अब बचा क्या है, थीटा, ये थीटा यानी कि किस एंगल पर हम फेंकें, ये बात इंपॉर्टेंस रख रहा है, ठीक, ये बात हमको इंपॉर्टेंस रख रहा है। तो फॉर, अब यही पॉइंट नोट कर लेना, फॉर इसको नोट में लिखना, अभी नहीं पहले समझ लो, फॉर मैक्सिमम रेंज, मेरा मैक्सिमम रेंज के लिए ये पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है। फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2θ मस्ट बी इक्वल टू 1, साइन 2θ मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक, यानी कि साइन 2θ मस्ट बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री, साइन 91 होता है ना, ठीक, यानी कि 2θ इक्वल्स टू 90, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4, यानी कि 45 डिग्री, यानी कि अब हम याद कर लेते हैं इस चीज़ को, अब हम लोग याद कर लेते हैं इस चीज़ को कि हमको मैक्सिमम रेंज अगर चाहिए किसी भी प्रोजेक्टाइल का, तो भैया हमको उसको 45 डिग्री पर ही उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ग्राउंड से 45 डिग्री पर ही हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे तभी हमको मैक्सिमम रेंज मिलता है, नोट कर लेना इस बात को, कैसे मिलता है, समझ गया फंडा, कैसे आता है, रटना नहीं, बस समझ गए ऐसे ऐसे आता है, अब समझ गए हम लोग, ठीक है, ओ तो हमको सब कुछ पता चल गया, थीटा ही पता चल ही गया, ठीक ना, अब क्या पूछ रहा था हमको भाई, अब रेंज ही पूछ रहा है हमको, अब वही रेंज ही पूछ रहा है, क्या होगा रेंज, ठीक है, अब तो बस सब वैल्यू पता ही चल गया, अब क्या, अब तो नोट आंसर है, ठीक, इसलिए आर मैक्स बराबर इसी फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दो, यू आई स्क्वायर बाय ए वाई हो जाएगा, है ना, यू स्क्वायर बाय ए वाई, यू कितना था 20 का स्क्वायर बट्टा ए वाई मतलब 10, मतलब 20 गुना 20 बट्टा 10 यानी कि 40 मीटर, 40 मीटर मेरा, यही मेरा मैक्सिमम रेंज होगा, ठीक है, मैक्सिमम रेंज होगा, चलो नोट करो इसको जल्दी, ठीक है, मैक्सिमम रेंज होगा, ठीक, टॉपिक 2, आंसर भी हम लोग मैच करते चले जाएंगे ताकि हम लोग का टेंशन ना हो, ठीक है, टॉपिक 2 का क्वेश्चन नंबर 11 था ये, अरे यार, ठीक है, क्लियर है, लिख लो इसको जल्दी जल्दी, ये इसको साइड में कर लेना अपना, क्लियर फंडा, क्वेश्चन हो गया, एक कॉन्सेप्ट भी सीख गया हम लोग कि मैक्सिमम रेंज के लिए हमको 45 डिग्री पे किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना पड़ता है, ये चीज़ भी सीख गए अभी, खट से सीखते चले जाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, सीखते चले जाएंगे कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन से ही सीखेंगे सारा का सारा, क्योंकि मेन तो हमको क्वेश्चन बनना चाहिए ना एग्ज़ाम में, पूछता तो वही है, ठीक, क्लियर है, ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द The horizontal range and the maximum height
ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल, ठीक, आर इक्वल, ठीक है ना। तो पूछता है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज क्या, ठीक है, टेन इनवर्स वन बाय फोर, टेन इनवर्स फोर, जो भी है, क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक। इससे पहले वाला क्वेश्चन पीएमटी का क्वेश्चन, एआईपीएमटी का क्वेश्चन पूछा हुआ, तो ये भी एआईपीएमटी का है ना, अब तो नीट हो गया सारा का सारा, टेंशन नहीं लो। आईटी में भी इससे अलग कुछ क्वेश्चन नहीं आता, यही आता है आईटी में। देखो तो कह रहा है हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, ठीक, ओ मतलब रेंज बराबर आर बराबर एच मैक्स कह दिया हमको, तो एंगल बताना है। रेंज का फॉर्मूला जान रहे हैं, टू यू एक्स यू वाई बाई ए वाई, एच मैक्स का फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, यू आई स्क्वायर बाय टू जी, यू आई स्क्वायर बाय टू जी, ठीक है, यू आई स्क्वायर बाय टू जी, क्लियर है, टू है टू ए वाई, वही टू ए वाई फिलहाल, ठीक, ए वाई से ए वाई कटिए जाएगा, एक यू वाई से एक यू वाई कटेगा, ठीक है, तो टू यू एक्स बराबर यू वाई, ठीक है ना, टू यू एक्स बराबर यू वाई, ठीक। अगर थोड़ा देख ले, मान लो हम ऐसे कुछ प्रोजेक्ट किए थे, यू स्पीड से ये थीटा था, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, तो यू एक्स क्या लिखते, यू कॉस थीटा, और यू वाई क्या लिखते, यू साइन थीटा, ठीक, नहीं कुछ दिया तो कुछ ना कुछ लेके चलता रहना पड़ेगा हमको, तो टू यू एक्स इधर क्या लिखते, यू कॉस थीटा, यू वाई की जगह क्या लिखते, यू साइन थीटा, यू से यू कटिए जाता, कॉस जब नीचे जाता यहाँ, तो साइन बाय कॉस क्या बचता, टैन थीटा बराबर टू, तो थीटा बराबर टैन इनवर्स टू, ऐसे बोलते हैं हम लोग हैं, ठीक है, टैन इनवर्स टू, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल है। हमको बोला कि भैया मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट मेरा क्या है, दोनों को दोनों बराबर है, दोनों को दोनों बराबर कर दिए, फॉर्मूला तो हमको पता ही था, ठीक है, नोट कर लो। पूछा हुआ क्वेश्चन देखो, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर डिस्कस इसलिए करते हैं ताकि रेंज पता हमको रहे कि यह क्या पूछता है, क्लियर है, सिंपल है यार, देखो टफ नहीं रहता ज़्यादा, ठीक है ना। ठीक, क्लियर, ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर एक और उठाते हैं, बस जैसे हमको कहेगा हम वैसे कर लेंगे, जैसा क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा गिवन, वैसे वैसे हम कर लेंगे, कोई टफ नहीं है, ठीक है। अब मान लो हमको एक क्वेश्चन दे के रखा है, क्वेश्चन नंबर फोर, अच्छा क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक, इफ टी वन एंड टी टू be the times of flights in the two cases, ठीक है ना, then the product of the two times of flights is proportional टू, इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, ए ऑप्शन दे रखा है आर स्क्वायर, बी ऑप्शन दे रखा है वन बाय आर स्क्वायर, सी ऑप्शन दे रखा है वन बाय आर, डी ऑप्शन दे रखा है आर,
ठीक, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज, ये ध्यान देना था, ये सेम रेंज फॉर टू एंगल्स, फॉर टू एंगल बता भी रहे थे अभी हम उस टाइम थ्योरी के टाइम में, अभी हम पता भी करेंगे, नोट करके वही सीखेंगे। सेम रेंज फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इफ टी वन टी टू बी द टाइम्स ऑफ लाइट्स, कोई बात नहीं। मान लो कहा क्या रहा है, मान लो तुम दो बार किसी को प्रोजेक्ट किया, स्पीड वही रह गया, मान लो एक बार थीटा एंगल से किया, एक बार कुछ मान लो कुछ अलग फाई एंगल से किया, ठीक थीटा से किया एक बार, या अल्फा बीटा ले रहे थे करता कि कन्फ्यूजन नहीं हो, अल्फा से किया एक बार बीटा से किया, ठीक दोनों केस में क्या बोलता है, मेरा रेंज सेम है, दोनों केस में क्या बोलता है, ये क्वेश्चन दे दिया कि रेंज सेम है, ठीक है रेंज मेरा सेम दे दिया, क्लियर है, रेंज मेरा सेम दे दिया, रेंज सेम दे दिया, ठीक इसके केस में टाइम ऑफ फ्लैट दे देता है T1, इसके केस में टाइम ऑफ फ्लैट दे देता है T2, ठीक है। तो हमको प्रोडक्ट बता देना, प्रोडक्ट ऑफ टू टाइम्स ऑफ फ्लाइट, हम लोग को बताना है कि T1 into T2 जो होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई क्या होगा, आर वन बाय आर वन जो भी हो, ठीक है। पहले तो हम पता करते हैं भैया रेंज सेम कब होगा किसी भी दो प्रोजेक्टाइल का, ठीक इसका रेंज का फॉर्मूला, रेंज बराबर क्या होता है, टू यू एक्स यू वाई बाय ए वाई, यानी क्या लिखते हैं हम लोग, टू है ना, क्लियर यहाँ तक, टू यू एक्स यू वाई बाय ए वाई, ठीक है यहाँ तक समझ गया, यानी कि कितना आया था, यू स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा, यानी यहाँ टू अल्फा हो जाएगा बाय ए वाई, क्लियर है, यू एस ठीक है, स्पीड तो सेम है। इस केस में भी रेंज क्या लिखते हैं हम लोग, यही फॉर्मूला यही रहता, टू यू एक्स यू वाई मतलब यू आई स्क्वायर साइन ऑफ टू बीटा बाय ए वाई, ये दोनों बराबर कर दो दोनों को, ठीक है क्लियर है, समझ गया, दोनों को बराबर कर दो एक एक तरह से, ठीक तो बराबर कब आएगा ये लोग, ठीक है ना, बराबर कब आएगा, अच्छा बताओ तो बराबर कब आएगा, ठीक है बराबर कब आएगा, इसको क्वेश्चन को मिटा देते हैं, अब थोड़ा क्वेश्चन मिटा देते हैं, लिख लेना ये दोनों बराबर है, मतलब दोनों का रेंज बराबर है, मतलब क्या दिख रहा है, यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाई ए वाई बराबर यू स्क्वायर साइन टू बीटा बाई ए वाई, ए वाई से ए वाई कैंसिल, यू स्क्वायर कैंसिल, साइन टू अल्फा बराबर साइन टू बीटा, ठीक है साइन टू अल्फा बराबर साइन टू बीटा, ठीक एक तो जगह टू अल्फा बराबर टू बीटा, अल्फा बीटा वो तो हम लोग जान ही रहे हैं, एंगल सेम तो सब कुछ सेम है, हमको तो जानना है और क्या खंड फंडा होगा, ठीक है ना क्लियर है। अब देखो ध्यान दो यहाँ से, एक एक चीज़ देखो यहाँ गौर करो, ठीक है ना, एक फार्मूला तुम लोग बताए थे साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, ठीक है साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है ना, होता है टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू, ठीक है क्लियर है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ अगर हम इसको इधर ले आते हैं, ठीक ना, इसको हम इधर ले आते हैं अगर, तो साइन टू अल्फा माइनस साइन टू बीटा बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू मतलब अल्फा प्लस बीटा आएगा यहाँ से, ठीक है इंटू इंटू क्या आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, है ना, बाई टू तो टू टू कर जाएगा बराबर जीरो हो गया, ठीक यानी कि या तो कॉस अल्फा प्लस बीटा मेरा जीरो हो जाए या साइन अल्फा माइनस बीटा मेरा जीरो हो जाए, यहाँ से समझ रहा है बात, क्लियर है
देखो यहाँ से तुम्हें क्या आ रहा है, साइन जीरो का बता, जीरो पे तो अल्फ़ा माइनस बीटा जीरो, तो अल्फ़ा बराबर बीटा, तो ये तो हम लोग लेंगे नहीं, रिजेक्ट, ये तो रिजेक्ट कर देंगे ठीक। लेकिन यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, कॉस नाइन जीरो मतलब कॉस 90 पाई बाई टू, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है पाई बाय टू, यानी कि अल्फ़ा और बीटा आपस में कैसा एंगल था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि जब मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, यानी कि मान लो ये 30 तो ये 60, कुछ भी मतलब यहाँ 20 तो यहाँ 70 ठीक है ना, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में मेरा रेंज सेम ही होता है ठीक है, रेंज सेम ही होता है। पहले यहाँ तक नोट करो, ये थोड़ा सा मैथ्स यहाँ थोड़ा सा लग गया हल्का फुल्का, टेंशन नहीं आना, नहीं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री है बस लिखा। अब तुम लोगों को रिजल्ट याद रखना है कि अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर जब किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे वेलोसिटी तो वही रहेगा सेम, बदलेगा नहीं, रेंज मेरा उस केस में सेम ही रहता है तब ठीक है। तो नोट करके एक बात इसको लिख लिया है ना, मिटा देते हैं इसको, यही थोड़ा जानना था, क्वेश्चन भी हम बताना चाह रहे थे इसलिए हम इसको यहाँ बताएं ठीक है। मतलब कि नोट क्या, फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स रेंज इज सेम फॉर टू, और दो किसी दो प्रोजेक्टाइल के लिए अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंके हैं तो रेंज सेम ही होगा। मतलब अगर हम इसको थीटा पे फेंके हैं, अगर यू स्पीड से थीटा पे फेंके ठीक, थीटा या चलो अल्फा बोल दो, और यहाँ अगर हम इसी को हम 90 माइनस अल्फा से भी फेंकेंगे तब भी मेरा रेंज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ से बीटा लिख सकते हो ना, 90 माइनस अल्फा ठीक है, 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो रेंज में मेरा कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए ये दोनों कंप्लीमेंट्री, यही तो मेरा बीटा था, यही तो मेरा बीटा था, डेरिवेशन भी लिख लो ठीक है। तो क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्या है, क्वेश्चन तो अब समझेंगे ना, पहले तो ये कंडीशन हम लोग देख लिए ठीक है, ये हमको तो पहले याद ही रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए, जैसे हमको वहाँ पे याद रहना चाहिए कि फॉर मैक्सिमम हाइट मेरा 45 डिग्री पे फेंकना पड़ता है, 45 डिग्री पे हमको प्रोजेक्टाइल करना पड़ता है ठीक है, फॉर मैक्सिमम सॉरी रेंज, फॉर मैक्सिमम क्या था, सारा का सारा फंडा याद रखो ठीक है। फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए हमको जो है ना 45 डिग्री पे ही फेंकना पड़ता है, और सेम रेंज के लिए हमको जो है सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंकना पड़ता है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट देखो T1, तो T1 इस केस में क्या लिखता है, T1 क्या लिखता है, T1 लिखते हैं 2UY/AY, यहाँ T2 क्या लिखता है, 2UY/AY ही लिखते है ना, मतलब कि 2U sin α/AY, यहाँ पे 2U sin β/AY ठीक, T1 T2 ये हो गया ना, T1 T2, और दोनों का प्रोडक्ट हमको बोला है कि दोनों का प्रोडक्ट किसके प्रोपोर्शनल होगा ठीक है ना, क्लियर है, दोनों का प्रोडक्ट जो है सो रेंज रेंज के टर्म्स में खास तौर से पूछ रहा है ठीक ठीक है ठीक। तो T1 × T2, तो T1 × T2 दोनों का गुना करो कितना आ रहा है जी, देखो तो 4U² sin α sin β/, नीचे में आ रहा है AY² आ रहा है ठीक है, AY² आ रहा है, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, 2UX UY/AY ठीक, क्लियर है, 2UX UY/AY क्लियर है। अब देखो यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ, देखो यहाँ तो देखो फील होगा, देखो यहाँ अब छोड़ जो अलग अलग कर देते हैं हम ना, टू अलग हो गया ठीक, एक देखो U sin α, एक U sin β दिखाई दे रहा है ना, एक U sin α एक U sin β दिख रहा है ना, हैं मतलब तुमको UX कंपोनेंट भी दिख रहा होगा है ना, कोई बात नहीं, साइन बीटा को हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा देखो 4U² sin α, आप बीटा का जगह लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा बाय ए वाई स्क्वायर, तो मतलब 4Y² sin α, ये हो जाएगा cos α / AY²
ठीक है। देखो अब तुमको फील होगा, देखो यू एक्स यू वाई को यू साइन अल्फा यू यू कॉस अल्फा दोनों दिख रहा है, यू एक्स यू वाई दोनों दिख रहा है, यू एक्स यू वाई ठीक है, यू एक्स यू वाई दोनों दिख रहा है, हाँ दोनों का गुना भी दिख रहा है, नीचे में तुम्हारा ए वाई स्क्वायर दिख रहा है बस, ठीक है नीचे में ए वाई स्क्वायर आ जा रहा है ना ही? तो यानी कि हमको किसका प्रोपोर्शनल दिखाई दिया, ये रेंज के ही प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, ए वाई तो कॉन्स्टेंट चीज़ है, इसको छोड़ दो। तो यहाँ दिख रहा है यू एक्स यू वाई, यानी किसको बोल सकते हैं फोर आर बाई ए वाई एक तरह से, हाँ सॉरी टू आर बाई ए वाई, टू आर बाई यानी कि रेंज के प्रोपोर्शनल आ गया, मतलब टी वन इंटू टी टू किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, रेंज के, ठीक क्वेश्चन का जो हमको जो मेरा क्वेश्चन था, हाँ आंसर भी मैच कर लेते हैं 24 का, ठीक है हम लोग आंसर भी मैच कर लेते हैं, हाँ ठीक आ रहा है हम लोग का टू आर बाय ए वाई सही आ रहा है, रेंज के प्रोपोर्शनल आ गया, ठीक फंडा यहाँ तक समझ गया, ज़्यादा टफ नहीं था, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या सीखा कि मेरा है ना कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होता है, बस ये हमको जानना था इस क्वेश्चन में, बाकी तो कुछ दम ही नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसी तरह से मेरे प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन सब बनेगा, ठीक धीरे धीरे और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तो और सारा कॉन्सेप्ट्स इसमें आता जाएगा, प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे तो जो जो कॉन्सेप्ट आएगा सारा का सारा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ओके। तो फिलहाल आई होप आज कम से कम यहाँ तक समझ आया होगा, इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। अब उसके बाद मेन होता है रिलेटिव मोशन, ठीक फंडा समझा दिए हैं इसमें कि कैसे कैसे करना है, एक्स में कैसे सोचना है, वाई में, प्रोजेक्टाइल मोशन को हमेशा एक्स और वाई में ही तोड़ के देखना है, एक बार एक्स में दुनिया को चला के एक बार वाई में दुनिया को चला के देख लेना है, सारा का सारा उसी से आ जाएगा, ठीक है क्लियर है फंडा। तो ठीक है प्रैक्टिस करते चलना या रिवाइज करते चलना, ठीक ना, और जो भी प्रॉब्लम फील हो जो हाँ अभी तुमको प्रॉब्लम फील होगा महसूस होगा वहाँ हमसे पूछना, कमेंट में जाके कमेंट कर देना, हम जरूर रिप्लाई करेंगे, थोड़ा सा लेट भी रिप्लाई हो जाया करे तो लोड मत लिया करना, ठीक है ना, करेंगे जरूर लेकिन, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ठीक।